शब्द से निःशब्द तक अनंत श्री के साथ। एक मित्र ने पूछा है, एक सद्गुरु सदा दयालु होता है, वो हमें निज स्वरूप के दर्शन करा देते हैं, हमें बता देते हैं कि हम कौन हैं। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर में छिपी प्रतिमा को जानता है और पत्थर के ऊपर से अनवांटेड स्टोन्स को हटाकर, अवांछित पत्थर के टुकड़ों को हटाकर असली रूप को प्रकट कर देता है, हम चाहते हैं कि आप भी उस मूर्तिकार की तरह हम लोगों के ऊपर से अनवांटेड अवांछित चीज़ों को हटाकर हमारे असली रूप से परिचित कराएं। सद्गुरु का कार्य निश्चित ही मूर्तिकार जैसा है। मूर्ति अपने आप में बहुत प्यारी और प्रीतिकर जान पड़ती है, लेकिन जिस प्रक्रिया का तुमने उल्लेख किया है कि अवांछित पत्थर के टुकड़ों को हटा दें, वो अत्यंत पीड़ादायी और कष्टदायी कार्य है और वो इतना सरल नहीं है। कई बार तुम संघर्ष करते हो, तुम स्वयं अड़चने डालते हो, तुम स्वयं विरोध करते हो। सद्गुरु तो चाहता है कि तुम्हारे अनगढ़ पत्थर से एक मूर्ति निकलकर सामने आ जाए, लेकिन उस वेदना से क्या हम गुजरना चाहते हैं? शिष्य उसी घटना को कहते हैं जो इस पीड़ा के लिए, इस वेदना के लिए तैयार हो गया है। अब मूर्ति के ऊपर से पत्थर हटता है तो बहुत प्यार से और पुचकार से नहीं हटता, छेनी और हथौड़े से हटता है, तोड़कर काटकर अलग किया जाता है। प्यार छुपा है भावना में, उस पत्थर के संभावना में, जो उभारा जा रहा है, जो उघाड़ा जा रहा है, उसके प्रति जो संवेदनशील दृष्टि है, प्रेम उसमें छुपा होता है। लेकिन फिर भी छेनी और हथौड़ी का उपयोग तो करना ही पड़ता है, अन्यथा मूर्ति कैसे बनी? मूर्ति बनती ही उस काट छांट की प्रक्रिया से। ज्यादातर आध्यात्मिक संरचना जिसमें लोग रुचि रखते हैं वो काट छांट की कम, कुछ और जोड़ने इकट्ठा करने की अधिक है। तुम्हें लगता है तुम अधिक ज्ञानी बन जाओ, तुम कुछ ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा कर लो, तुम कुछ अनुभूतियाँ इकट्ठी कर लो, तुम्हारे अहंकार का किसी न किसी भांति महिमा मंडन चलता रहे, तुम्हारी अपनी ही वासनाओं को पानी मिलता रहे, तो तुम बड़े संतुष्ट रहते हो। और जो गुरु तुम्हारी वासनाओं को पानी देता है, तुम्हारे अहंकार को पोषित करता है, वो तुम्हें बहुत महान जान पड़ता है। उसे तुम आसमान की ऊंचाइयों में बिठा देना चाहते हो क्योंकि उससे कोई खतरा नहीं। लेकिन जो सद्गुरु तुम्हारे इस वांछित मूर्तिकार की तरह काम करने लगता है, उससे तुम घबराते हो, उससे भागते हो, उससे तुम पीछा छुड़ाना चाहते हो। तुम्हें लगता है ये तो तुम्हारे प्राण ले लेगा। तुमने अच्छा भला जमा जमा कर अपना व्यक्तित्व बनाया, ये तुम्हारे व्यक्तित्व को छीने ले रहा है। तुमने अपनी एक पहचान निर्मित करी थी और वो तुम्हारी पहचान ही मिटाए दे रहा है। तुम प्रतिक्रिया करते हो। हमारा अहंकार अंतिम सीमा तक चाल खेलता रहता है। अंतिम सीमा तक हमारा अहंकार हमारे साथ शतरंज की बिसात की तरह खेल खेलता है। हम कहते हैं कि हमने अपने को प्रस्तुत कर दिया, अब मूर्ति गढ़ दो हमारे अनगढ़ पत्थर से। फिर हम ये भी बताना चाहते हैं कि छेनी कहाँ पर मारो। फिर हम ये भी बताना चाहते हैं कि हथौड़ी कितने वजन से उठाना।
और अगर सद्गुरु तुम्हारी कल्पना से बाहर और तुम्हारे अनुमान से बाहर कोई हथौड़ी चला दे तो वो तुम्हें दुश्मन जान पड़ता, तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हथौड़ी भी चले और तुम्हारे अनुमान से चले। तुम कहते हो कि नहीं, उतना तो ठीक है जितना मैं बर्दाश्त कर पाऊँ, तो फिर किसी पत्थर से कोई मूर्ति ना बन सकेगी अगर हर पत्थर यही पुकार मचाए कि जरा संभाल के, तो फिर कहीं कोई मूर्ति नहीं बनेगी। समर्पण का अर्थ होता है आत्यंतिक रूप से समर्पण, अल्टीमेट सरेंडर। फिर तुम किंतु परंतु नहीं पूछते, तुम क्यों और क्या नहीं पूछते सद्गुरु से। सद्गुरु अगर कोई प्रक्रिया तुम्हारे लिए चुनता है तो तुम ये नहीं पूछते कि ये क्यों है, तुम ये नहीं पूछते कि ये क्या है, तुम उस प्रक्रिया में प्रवेश कर जाते हो। वो चाहे जितनी पीड़ादायक जान पड़ती है, सबसे बड़ी पीड़ा है अपनी पहचान से मुक्त हो। और हम अपनी पहचान से ऐसे जुड़े हैं कि हम अपनी नादानियों को, अपनी नासमझियों को भी अपनी पहचान में शामिल रखते हैं। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को उसकी मूर्ता से भी मुक्त करना चाहो तो वो संघर्ष करता है, क्योंकि उस मूर्ता ने भी तुम्हें पहचान ली। आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ ही तब होता है जब तुम पहचान के इस माया जाल के प्रति जागने लगते हो। तुम देखने लगते हो कि क्या पहचान है मेरी, कोई भी तो नहीं। और अगर तुमने पुस्तकें पढ़ पढ़ कर, प्रवचन सुन सुन कर कुछ ज्ञान भी इकट्ठा कर लिया है तो वो भी कौन सी तुम्हारी ठाती है, जरा से धक्के से बिखर जाता है। जरा सी परिस्थिति के धक्के से, जरा सी बीमारी से, जरा से किसी भी प्रभाव से वो सारा ज्ञान धुल जाता है तो वो भी कोई मायने नहीं रखता। तुम्हारी पहचान बड़ी ही अबूझ है। तो जो व्यक्ति उस अबूझ पहचान के प्रति जागने लगता है और जो पहचान उसने इकट्ठी की है सामाजिक रूप से, उसके प्रति प्लेफुल हो जाता है, खेलपूर्ण हो जाता है, वो उस मूर्ति के बनने में सहभागी हो सकता है। मूर्तियां ऐसे ही छुपी होती हैं पत्थरों के भीतर कि तुम कभी अनुमान भी नहीं लगा सकते। जैसे किसी व्यक्ति से पूछो कि तुम्हारे अंदर क्या संभावना है, तो या तो उसका अहंकार कहेगा परमात्मा की, परमात्मा के बारे में वो कुछ जानता नहीं, या अहंकार दूसरी करवट लेगा और अपने को इतना दीनहीन बनाएगा कि कहेगा कोई संभावना नहीं। जो विनम्रता से भरा होगा वो बस ये जान पाएगा कि कुछ है तो अंदर, कुछ बेचैनी है, कुछ छटपटाहट है, वो क्या है लेकिन ये मैं नहीं जानता। माइकल एंजेलो बहुत बड़े मूर्तिकार हुए, उन्होंने एक जीसस की मूर्ति गढ़ी थी जब जीसस सलीब से उतारे गए और मरियम उन्हें गोद में लेकर बैठी। और ये संयोगी है कि ये उदाहरण आज हमारे सामने आता है और परसों उनके क्रूसिफिक्शन का, सलीब पर चढ़ाए जाने का दिन है, गुड फ्राइडे। कहते हैं कि एक दुकान के बाहर एक अनगढ़ पत्थर बहुत समय से पड़ा हुआ था। दुकानदार उसको बेचना चाहता था, पहले तो किसी ने खरीदा नहीं, फिर वो इतना बेकार सा पत्थर था कि दुकानदार ने कहा कि तुम कोई से मुफ्त में ले जाए तो कोई मुफ्त में ले जाने के लिए भी तैयार नहीं। लोगों ने कहा कि इसको ले जाने का भाड़ा कौन बेकार में खर्च करेगा, किसी काम का पत्थर, बड़ा पत्थर। कहते हैं एक दिन माइकल एंजेलो उधर से गुजरता था और उसे उस पत्थर के भीतर से जीसस की पुकार सुनाई दी कि मुझे इससे मुक्त करो। माइकल एंजेलो ने कहा, ये पत्थर मुझे दे, कितनी कीमत है इसकी,
दुकानदार ने कहा कि भाई इसे कोई लेता ही नहीं, मुफ्त में भी नहीं लेता, तुम इसे बस ले जाओ, इसकी कीमत यही है कि तुम इसे अगर उठा पाओ, ले जा सको तो ले जाओ। माइकल एंजेलो कहते हैं उसको ले गए और उसके भीतर से वो मूर्ति उन्होंने तराशी, अद्भुत दिव्य प्रतिमा। जब लोगों ने देखा तो वो यकीन न कर सके कि इतने बेकार पत्थर के भीतर से ऐसी मूर्ति निकली। लोगों ने पूछा कि तुम्हें ख्याल कैसे आया कि इस पत्थर से ऐसी मूर्ति तराशी जा सकती है। माइकल एंजेलो ने कहा, उस पत्थर ने खुद मुझे पुकारा, जीसस ने पुकारा था, जीसस ने कहा कि मैं इसमें छुपा पड़ा हूँ, मुझे निकाल लो। और तब छेनियाँ चली, हथौड़ियाँ चली और उसके अंदर से वो मूर्ति निकली। ऐसे ही तुम्हारे भीतर भी परमात्मा पुकारता है कि तुम्हें निकाल लिया जाए, लेकिन तब तुम उस प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार रहो। अपनी जिद मत करो, अपने अनुसार चीज़ों को मत चाहो। ऐसा नहीं कि तुम्हारे अनुसार कुछ नहीं होगा, तुम्हारे अनुसार भी होगा, लेकिन बहुत कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारी अनुमान और तुम्हारी संभावना से बाहर होगा, वही अज्ञात से आया होगा। वो अज्ञात का जगत है। तुम्हारे भीतर जो परमात्मा की मूर्ति छिपी है वो ज्ञात जगत से नहीं आती है, वो अज्ञात जगत से उतरती है। तो तुम उसके बारे में कुछ पहले से ही जान नहीं सकते, तुम उसके बारे में पहले से ही निश्चित नहीं हो सकते। तुमने लिखा है कि सद्गुरु दयालु होता है और निज स्वरूप का दर्शन करा देते हैं। सद्गुरु दयालु नहीं होता है, सद्गुरु बस करुणा में होता है। करुणा और दया में बहुत बड़ा फासला है। दया उसमें कहीं ना कहीं से तुम्हारी हीनता छुपी हुई है, हम अपने से नीचे के ऊपर दया करें। करुणा उस भावदशा का नाम है जो तुम्हें कमतर नहीं जानती, जो तुम्हें हीन नहीं जानती, वो ये जानती है कि हो तो तुम कोहिनूर ही, लेकिन धूल में सने हुए बैठे। तो करुणा जब तुमसे व्यवहार करती है तो वो तुम्हारी धूल की परवाह नहीं करती, वो तुम्हारे भीतर छुपे हुए उस कोहिनूर की, उस दिव्य मूर्ति की, उस व्यवहार की तरंग अलग ही हो। तुम्हें कहीं ऊपर नहीं उठाना है, तुम जैसे हो उसको ही प्रकट कर देना है, जिसको तुम निज स्वरूप कहते हो। निज स्वरूप का तात्पर्य है कि तुम वैसे ही जन्मे हो, दिव्य और परमात्म स्वरूप। बस अपनी नादानी में, अपनी अहंकार की चालाकियों में, अपनी वासनाओं के उलझाव में उसे भूल बैठे तो बस उसका स्मरण दिला देना है। स्मरण दिलाना कोई बड़ा कठिन काम नहीं, स्मरण दिलाना बहुत आसान है, लेकिन संसार में जो सर्वाधिक आसान है वही सर्वाधिक कठिन बन जाता है, क्योंकि हमें यकीन नहीं आता। अगर सद्गुरु तुमसे कहे तो तुम यकीन ही नहीं करते। और यहाँ पर जो छेनी और हथौड़ियाँ हैं वो भी उतनी धारदार और तीखी नहीं है जैसी पत्थर के ऊपर से। एक जीवंत चेतना के भीतर से जो मूर्ति उभरती है उसकी संभावना है, वहाँ पर जो छेनियाँ और हथौड़ियाँ चलती हैं वो भी अदृश्य होती, क्योंकि तुम भी अदृश्य से ही घिर गए हो। झूठ का अदृश्य ताना बाना, छद्म का असार का एक छद्म ताना बाना तुम्हें घेर चुका है, उसी के भीतर सब छुपा है। तो सद्गुरु एक और झूठ का उपयोग करता है ताकि उस झूठ को काटा जा सके। लेकिन चाहे अज्ञात में ही, अदृश्य में ही कुछ कटना हो, संघर्ष बहुत होता है। अगर ऊपर ऊपर कटना होता तब तो मुश्किल ना होती, जैसे ये होता कि सद्गुरु तुम्हारी ठीक से पिटाई कर देगा और तुम ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे तो शायद सारे लोग तैयार हो जाते। अगर ऊपर से कुछ काटना छांटना होता तो पिटने के लिए बहुत लोग तैयार हो जाते कि ठीक है। लेकिन यहाँ जो कटना छांटना है
वो किसी ऐसे तल पर है जो दिखाई नहीं देता, तुम्हारा मन का तल। मन के तल पर सारा उलझाव, तुम्हारे उस स्वरूप के बीच में मन की एक भ्रमपूर्ण दीवार खड़ी हो गई। तो जब भी हम कोई व्यवहार करते हैं तो तुम्हारे मन के ऊपर कोई काम करता है, फिर तुम्हारा मन संघर्ष करता है, तुम्हारा मन उसके साथ आँख मिचौनी खेलना चाहता है। ठीक ठीक समाधान को उपलब्ध हो जाना मन का स्वभाव नहीं। मन का जो ढंग होता है कि समाधान कभी उपलब्ध हो ही ना और समाधान ढूंढने की प्रक्रिया चलती रहे। जैसे साधना में कोई व्यक्ति है और साधना में उसे पूछा जाए तुम क्यों हो, तो कहेगा ज्ञान की उपलब्धि के लिए, बुद्धत्व के लिए, सत्य को जानने के लिए, अपने निज स्वरूप को जानने के लिए। और कहा जाए कि बस अभी अगले 15 मिनट में कितने लोग वहाँ होना चाहते हैं, हम आग बंद करके बैठते हैं तो हो सकता है धीरे धीरे 15 मिनट में सब लोग भाग जाएं, क्योंकि लगता है कि चाहते हैं लेकिन अभी थोड़े चाहते हैं। 15 मिनट में ये कौन सी बात है, जन्मों जन्मों की यात्रा है, करेंगे यात्रा, यात्रा पर चलते रहेंगे, ध्यान लगाएंगे, कुंडलनी जगाएंगे, समाधियों में जाएंगे, तरह तरह के कोर्स करेंगे, दुनिया भर के सर्टिफिकेट इकट्ठे करेंगे, फिर जाके कहीं बुद्धत्व आएगा। ऐसे थोड़े आपने कहा बस हो गया, होने वाला है। तो मन संघर्ष करता है, मन समाधान रहित प्रक्रिया का नाम है, कभी समाधान नहीं चलता रहे। इसीलिए तुम देखोगे कि जिन लोगों को ये बीमारी लग जाती है कोर्सेज करने की, आध्यात्मिक कोर्सेज करने की, ये न्यू एज डिजीज करते चले जाते हैं, उनको सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट मिलते जाते हैं, फिर उनकी क्रेविंग होती है, फिर वो कुछ कराते हैं, फिर क्रेविंग होती है, फिर कुछ कराते हैं। तो एक व्यक्ति कई बार 8-10 बार संबुद्ध डिक्लेयर हो जाता है, 8-10 बार वो महासमाधि को उपलब्ध हो जाता है। होना तो एक ही बार है, बार बार कैसे हो सकता है, सत्य तो एक बार घटता है। ऐसा सत्य थोड़े हुआ और फिर मिट गया और फिर हुआ, ये मन है। मन कहता है नहीं, अभी अभी कहाँ होगा, अभी हो ही नहीं सकता, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो जो सबसे बड़ी पीड़ा है इसमें, इस मूर्ति को प्रकट होने में, वो यही है कि ये स्वीकार किया जाए कि वो तत्क्षण हो सकता है। तत्क्षण होने का अर्थ जितना तुम्हें सुंदर जान पड़ रहा है, थोड़ी देर तुम आँख बंद करके सोचोगे तो तुम्हें बड़ा खतरनाक जान पड़ेगा। तत्क्षण होने का अर्थ है कि तुम्हें अभी इसी समय अपनी सारी मूढ़ता, सारी वासना, सारा भ्रम गिरा देना पड़ेगा। तुम्हें इसी क्षण अपना पूरा का पूरा व्यक्तित्व गिरा देना पड़ेगा, और तुम गिराना नहीं चाहते, क्योंकि उसी व्यक्तित्व से तुम्हारी पहचान है। तो जो पीड़ा का क्षेत्र है वो उस तरह का नहीं है कि हथौड़ी कहीं पड़ेगी तो कहीं सिर में चोट लगेगी, वो चोट कहीं बड़ी सूक्ष्म लगती है। इसीलिए कई बार जब सद्गुरु हथौड़ी चला देता है तो कुछ छद्म खोजी गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं, दिखाई भी नहीं देते, हथौड़ी भी नहीं दिखाई देती और कुछ दिनों बाद वो शिष्य भी नहीं दिखाई देती। और वो अपने को समझाता है कि गलत जगह थे, हम गलत जगह पहुंच गए थे, यहाँ तो कोई उपलब्धि नहीं है, फिर कहीं उपलब्धियाँ होंगी, कहीं फिर तुम्हारे वही राग रंग होंगे, कहीं फिर वही खेल होंगे, फिर कहीं वही मनोरंजन होगा, फिर मन चल निकलेगा। तुम्हारे भीतर की संभावना और उसकी पुकार अगर तुम उसे सुन सको तो उसकी जो पीड़ा है बस इतनी ही है कि तुम स्वीकार कर सको अभी इसी समय का रूपांतर। बहुत सुनते हो इस बात को कि अभी हो सकता है, अभी हो सकता है, और तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। फिर इस अभी को कहने के लिए तुम हो सकता है 100 जन्म तक आना चाहो कि हम अभी हो सकता है, लेकिन अभी का मतलब अगर अभी देखा जाए तो मुश्किल है। उसके लिए बहुत तैयारी चाहिए, बहुत
इंटेंसिटी चाहिए, उस इंटेंसिटी का उपयोग करें, बस और कुछ नहीं, उस इंटेंसिटी कि जो होगा देखेंगे। कहते हैं पीडी आर स्पेस की, जब अपने सदगुरु जाज गुरजीएव के पास गया तो बहुत ज्ञानी था, बहुत विद्वान था, उसने कहा कि मैं सत्य को जानना चाहता हूँ। आसपेस्की ने उसके अंदर देखा, गुरजीएव के अंदर एक बड़ी खतरनाक प्रेजेंस। आसपेस्की डरा भी थोड़ा, इस आदमी के पास होना सही है या नहीं। तो कहते हैं गुरजीएव ने उसकी आंखों में देखा और उससे पूछा कि पहले तुम ये बताओ कि तुम क्या क्या जानते हो, एक कागज पर ये लिख कर ले आओ, फिर हम वो बात नहीं करेंगे और फिर वो बात करेंगे जो तुम नहीं जानते हो, तुम्हारा भी समय बचेगा, हमारा भी समय बचेगा। और उसने इस तरह से उसकी आंखों में देखा, गुरजीएव ने आसपेस्की की आंखों में, कहते हैं कि वो अंदर तक कंपित हो गया, वो गया आधे घंटे तक आँख बंद करके बैठा रहा कि मैं लिखूँ क्या लिखूँ। तो बहुत बड़ा विद्वान था, वहाँ जाने से पहले ही वो पुस्तक लिख चुका था टर्सियम आर्गनम, और टर्सियम आर्गनम बहुत ही गूढ़ दार्शनिक पुस्तकों में से आज तक मानी जाती है। बहुत बड़ा विद्वान था, दार्शनिक कृतज्ञ। सोचता रहा कि लिखा है मैंने, सोचा है मैंने, चिंतन किया है मैंने, लेकिन मैं जानता तो कुछ भी नहीं हूँ सचमुच। मैंने सत्य के बारे में भी लिखा है, मैंने परमात्मा के बारे में भी लिखा है, मैंने सब पर चिंतन किया है, और यह आदमी ऐसा लगता है कि कुछ जानता है। आसपेस्की ने आकर कोरा कागज गुरजीएव के चरणों में रख दिया और बोला कि मैंने बहुत विचार किया और मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता। गुरजीएव ने कहा कि अब काम तुमसे हो सकता है, आश्रम में कल से झाड़ू करना शुरू करो। आसपेस्की के लिए ये बात भी बड़ी विचित्र थी कि कहाँ मैं इतना बड़ा विद्वान, लोग मेरा सम्मान करते हैं और ये कह रहा आश्रम में झाड़ू लगाना शुरू करो। लेकिन उसको कोई चीज़ दिखाई दे रही थी और वही धागा उसे खींच कर उस मुकाम पर लाया जहाँ उसके भीतर से उसका निज स्वरूप प्रकट हो सके। एक सद्गुरु के साथ होने का यही ढंग है, वो मूर्ति ऐसे ही गढ़ती है कि तुम बस कोरे कागज की तरह उसके सामने रख जाओ, उसको मत बताओ कि वो क्या लिखे क्या ना लिखे, और फिर तैयार रहो अनिश्चितता के लिए, अज्ञात यात्रा के लिए, फिर वो मूर्ति प्रकट हो और उसकी बात में भरोसा रखो। सद्गुरु की बातों में हम सैद्धांतिक रूप से कहते हैं कि भरोसा करते हैं, लेकिन भरोसा कुछ भी नहीं करते, क्योंकि वो कहता चला जाता है और हम लगातार संघर्ष करते चले जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा थोड़े है। तो इस बात का भी ख्याल रखो कि उसकी बात भरोसा करें, और वो तुम्हें कहीं फंसा नहीं देगा, और फंसा भी दे तो उसके लिए भी तैयार हो। भरोसा करने का मतलब खतरे में पड़ना है, वही छेनियाँ हैं। एक और उदाहरण तुमको बताऊँगा आधुनिक समय का है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हुए निसर्ग दत्त महाराज। निसर्ग दत्त महाराज जब अपने गुरु के पास पहुँचे, युवा ही थे, तो गुरु ने कहा कि तुम यहाँ क्या करने आए, तुम तो पूर्ण हो। तो निसर्ग दत्त कहते हैं कि इस बात से मुझे इतनी चोट पड़ी, इतनी पीड़ा पहुँची कि मैं बयान नहीं कर सका, और गुरु की बात और उसकी उपस्थिति इतनी संक्रामक थी, इतनी आकर्षक थी कि मुझे पूरा यकीन हुआ कि वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, और मुझे जो पीड़ा हुई है कि मैं तो ये नहीं जानता, अगर गुरु कह रहे हैं कि मैं पूर्ण हूँ तो मैं पूर्ण होऊंगा, लेकिन मैं तो ये नहीं जानता। तो निसर्ग दत्त कहते हैं कि अगले 14 बरस मेरे इस छटपटाहट, इस बेचैनी, इस पीड़ा में ही गुजरे कि गुरु तो ठीक ही कहते होंगे, वो झूठ कैसे कहेंगे, वो गलत क्यों कर कहेंगे, लेकिन मुझे ये क्यों नहीं पता है, मैं ये क्यों नहीं जानता हूँ कि मैं पूर्ण हूँ।
और वो पीड़ा वो बेचैनी अगर ईमानदारी से बात समझ ली गई हो तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी अधिक हो सकती है। और 14 साल के इस इंटेंस स्ट्रगल के बाद, संघर्ष के बाद, जब वो ज्ञान को उपलब्ध हुई, बुद्धत्व घटा, इनलाइटनमेंट घटा, तो उनके लिए कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि गुरु ने तो कहा ही था कि तुम पूर्ण हो। उनको बस इतना लगा, अरे ये अब पता चला मुझको, ये ऐसे पता चला। और तब गुरु ने उनकी श्रद्धा और भरोसा और बढ़ गया कि मैं ही इतना मूर्ख था कि मैं 14 साल तक इस तथ्य को क्यों नहीं जान पाया, इस सत्य को। तो जो पीड़ा है वो ऐसी है कि उसकी बात में भरोसा कर लो, और अगर नहीं जान पा रहे हो वो तुम्हारी एक छटपटाहट बन जाएगी, वो छटपटाहट तुम्हें पहुंचाएगी कहीं। सत्य के लिए छटपटाता कोई भी नहीं है, इसीलिए घटना नहीं घटती। तुम एक नई फिल्म ना देख पाओ तो तुम्हारे प्राण बेचैन होते हैं, सीरियल ना देख पाओ अपना तो प्राण बेचैन होते हैं, तुम कुछ खा नहीं पाओ, कोई अपनी पसंद का कपड़ा नहीं पहन पाओ तो प्राण बेचैन होते हैं। लेकिन सत्य के लिए, ज्ञान के लिए तो प्राण बेचैन नहीं है, आएगा, आ जाएगा, तो कभी भी आ जाता है, कोई जल्दी नहीं है। तो यहाँ पर जो छेनी हथौड़ी है वो इसी बेचैनी की, इसी छटपटाहट की है। जितनी अधिक तुम्हारे अंदर तड़प पैदा हो जाती है उतनी ही जल्दी वो मूर्ति प्रकट हो जाती है, उतनी ही जल्दी वो रूपांतरण घट जाता है। और सद्गुरु तुम्हारी इस तड़प को कम नहीं करता, जब उसके पास होते हो तो उसमें और हवा दे देता है, तो थोड़ी और भड़क जाती है। इसीलिए वो करुणा मान, अगर वो दयालु होता तो तुम्हें कुछ कार देता, तुम्हारी तड़प ठंडी पड़ जाती, तुम खुश हो जाते। लेकिन तब वो तुम्हें खिलौना पकड़ा देना होता, फिर वो तुम्हें बहला देना होता है कि पाना तुम्हें कुछ और था, तुम्हें कुछ और दे के फुसला दिया, तुम खुश हो गए। सद्गुरु के पास जब हो गए तो तुम और बेचैन हो जाओगे, लेकिन उस बेचैनी में एक मधुरता भी होगी, उस बेचैनी में एक आकर्षण भी होगा, उस बेचैनी में एक आनंद भी होगा। और यही इस बात का विरोधाभास है कि वो साथ साथ चलेगा, आनंद भी बढ़ेगा और उसके पैरेलल बेचैनी भी बढ़ेगी। अगर केवल आनंद आनंद घट रहा हो, शांति शांति घट रही हो, मस्ती मस्ती घट रही हो, तो तुम मन की साजिश के शिकार हो चुके हो, तुम पक्का समझ, मन ने तुमको उलझा दिया है, अब तुम ऐसे रास्ते पर आ गए हो जहाँ पर दिवा स्वप्न है, वास्तविकता नहीं, वास्तविकता विरोधाभासी हो। अगर आनंद बढ़ेगा उसके पैरेलल बेचैनी भी उतनी ही बढ़ जाएगी, जितनी तुम्हारे अंदर शांति बढ़ेगी उतनी ही अधिक तड़प भी बढ़ जाएगी। और जब ऐसा हो तब तुम जानना कि तुम ठीक रास्ते। केवल तड़प तड़प हो, बेचैनी बेचैनी हो, आनंद और शांति ना हो, तो भी तुम गलत रास्ते पर होगे, वो भी मन की चाल होगी, क्योंकि मन कहेगा बहुत संघर्ष कठिन है, छोड़ सकते हो। लेकिन जो वास्तविक रास्ता है वो दोनों को साथ लेकर चलता है, तो मन के पास कहने का मौका नहीं मिलता कि सब बेकार ही बेकार है, और ये भी कहने के लिए नहीं है कि सब अच्छा ही अच्छा है। तुम किधर भी भटक नहीं सकते, तुम ठीक रास्ते पर जा रहे हो, यही इसकी कसौटी है, यही इसकी पहचान है। इसी सत्य की प्यास की तरह प्रेम की भी घटना होती है, वो भी विरोधाभासी होती है, उसको भी जानेंगे तो वो भी इसमें सहयोगी होगा, वो एक ही बात है। अगर प्रेम भी एक मार्ग ही चल रहा हो तो प्रेम ना होगा, प्रेम अनंत आतुरता और अनंत धैर्य का नाम। अगर तुम्हें प्रेम की लौ लग जाए तो तुम अनंत काल तक अनंत धैर्य से प्रतीक्षा कर सकते, बिना किसी शिकन तुम प्रतीक्षा में बैठे रह सकते। आतुरता इतनी है, इतनी आतुरता हो सकती है प्रतीक्षा के साथ, जो अधैर्य का इतना बड़ा रूप है कि पत्ता भी हिलेगा, सांस भी टकराएगी, तुम्हें लगेगा कि कहीं वो आ तो नहीं गए जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा है। तो
तुम बार बार बेचैन होगे, लेकिन ठहराव भी होगा। अगर कोई केवल केवल बेचैन होगा और धैर्य नहीं होगा तो विक्षिप्त हो जाए, और कोई बिल्कुल ही धैर्य में होगा, आतुर नहीं होगा तो सो जाएगा। तो प्रतीक्षा भी, आतुरता भी, पीड़ा भी, आनंद भी, शांति भी, तड़प भी, सब साथ साथ चलता है, और यही तपश्चर्या है। इसको साध लेना ही वास्तविक अर्थों में तपश्चर्या है। सिर के बल खड़े हो जाना, आग में बैठ जाना, या कुछ और कठिन काम करना, वो तपश्चर्या नहीं है। हिमालय चले जाना, बर्फ में बैठना, नंगे घूमना, ये सब तपश्चर्या नहीं है। तपश्चर्या बस इस विरोधाभास में चलते चला जाता है। जो इस विरोधाभास में चलता चला जाता है, उसके भीतर की वो मूर्ति कब निकल कर सामने आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। कब अवांछित पत्थर हट गए, कब वो प्रकट हो गई, पता भी नहीं चलता। पता तो दूसरों को चलना प्रारंभ होता है कि कहीं कोई फूल खिल गया है, सुगंध हवाओं में लिपट कर चारों ओर फैलने लगी। तो ऐसे ही शांत चुपचाप घट जाता है। तो इस आस्था में, इस भरोसे में और इस तपश्चर्या में जी, और इसमें जीने की प्रेरणा सद्गुरु देता है, यही उसकी करुणा। एक अन्य प्रश्न में पूछा है मित्र ने, आपने बताया था कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब जीवन में जरूरी हैं, क्या इनकी कोई सीमा है? इनके पार कैसे जाएं? दृष्टा भाव कैसे आए? कृपया मार्गदर्शन करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जितने भी तुम्हारे भाव हैं, उन्हीं से तुम बने, उन्हीं से तुम्हारी संरचना हो, इसलिए तुम उनसे मुक्त नहीं हो सकते, रूपांतरित हो सकते। उनसे अगर कोई मुक्त होने की चेष्टा करेगा तो वो अर्थहीन हो जाएगा, उसके जीवन में अर्थवत्ता खो जाएगी, उसके जीवन में धार भी खो जाएगी, तीक्ष्णता खो जाएगी, उसके जीवन में प्रकाश भी खो जाएगी। इसीलिए जो व्यक्ति बहुत कामी है, क्रोधी है या अहंकारी है, उसके जीवन में फिर भी तुम एक तेजी देखोगे, एक आलोक देखोगे, और तुम हैरान होगे कि ये इतना कामी व्यक्ति, ये इतना लोभी व्यक्ति, फिर भी इसके जीवन में चमक है, क्योंकि कुछ है, जीवन को चलाने वाला कुछ तत्व उसके भीतर है, उसने उससे अपने को विड्रॉ नहीं किया है, अपने को अलग नहीं किया है। लेकिन वास्तविक प्रकाश तब पैदा होता है जब तुम इन भावों को रूपांतरित कर पाते, क्रोध करुणा में बदल जाए, काम प्रेम में बदल जाए, तुम्हारा अहंकार तुम्हारी शांति में बदल जाए, तुम्हारा मोह एक नए भाव में बदल जाए जो बांटना जानता है। मोह बांटना नहीं जानता, पकड़ना जानता है। मोह जब रूपांतरित होता है तो बांटने के भाव में बदल जाता है, तुम बांट पाते। जो क्रोध में ऊर्जा जाती है, वही ऊर्जा रूपांतरित होकर शांति में बदल जाती है। इसलिए जो क्रोध से गुजर कर रूपांतरित होता है, बहुत शांत हो जाता है। जैसे तूफान के बाद एक शांति आती है, तूफान से गुजरे और शांति आ गई। लोभ रूपांतरित होता है तो श्रेष्ठ की ओर बढ़ने की प्रक्रिया बन जाती है। लोभ क्यों करते होते हैं? लोभ इसीलिए है कि जीवन में कुछ अच्छा हो सके, लेकिन लोभ हम उन बातों का करते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं कि इनसे जीवन श्रेष्ठ बन भी सकता है या नहीं बन सकता है, बस लोभ है। लेकिन फिर जब रूपांतरित होता है तो जीवन में जो कुछ श्रेष्ठतम है, तुम्हारी ऊर्जा उस ओर दौड़ने लगती है, तुम उसको अपनी ओर खींचने लगते हो। तो किसी भी बात का इनकार नहीं, तुम उससे बने हो, पहले उसको जी कर देखो,
और जितना तुम सजगता से उसको जीकर देखोगे, उतनी ही जल्दी रूपांतरण के द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। जो व्यक्ति काम से गुजर जाएगा वो उसकी अर्थहीनता को देख लेगा, वो उसकी निष्प्राणता को भी देख लेगा, और ये भी देख लेगा कि जो आनंद है वो काम ऊर्जा का न होकर कहीं उसके भीतर छिपी हुई प्रेम की संभावना का है। तुम किसी के निकट होना चाहते हो, ये आनंद है। काम का अर्थ है कि तुम किसी के निकटतम होना चाहते हो, शारीरिक रूप से निकटतम होने की जो संभावना है वो काम है। लेकिन तुम कितना भी निकट हो जाओ किसी के, तुम उसके अंतरतम को स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन भावना वही है कि उसके अंतरतम को स्पर्श किया जा सके, बस वहीं से तुम प्रेम की ओर यात्रा प्रारंभ करते हो। और जैसे ही तुम किसी के अंतरतम से जुड़ पाते हो, उसके आंतरिक केंद्र से तुम जुड़ पाते हो, तुम देखते हो कि काम तिरोहित हो रहा है, प्रेम में बदल रहा है। और वो प्रेम ऐसा प्रेम है जिसके बारे में तुम नहीं जानते, वो एक अलौकिक घटना है। उसका तात्पर्य यह है कि जीवन में रूपांतरण घटे, तुम दूसरे के भीतर की दिव्यता को अनुभव कर पा रहे हो, तो काम रूपांतरित होगा। लेकिन ये तब जब तुम उससे जाग कर गुजर जाओ। क्रोध, तुम सुनते हो क्रोध ना करो, तुम क्रोध को दबा लेते हो तो तुम अलग अलग ढंग से क्रोध करते हो। फिर तुम ऐसे ऐसे काम करते हो जो विध्वंसक होते हैं, अनजाने में तुम अपने क्रोध की ऊर्जा को विध्वंसक दिशाओं में मोड़ देते हो। तुम चुपचाप बैठे हो, बड़े शांति से बैठे हो, लेकिन तुम्हारे कृत्य, तुम्हारी ऊर्जा विध्वंसक हो जाएगी। और एक बार अगर तुमने उस क्रोध की ऊर्जा को देखा, उसको उठते हुए अपने अंदर देखा, तो तुम समझ जाओगे कि ये ऊर्जा काम कैसे कर। ये एक ऐसा प्रवाह है जो तुमसे कुछ बहुत ही सृजनात्मक भी करवा सकता है और बहुत ही विध्वंसक भी करवा सकता है। जितने अपराध होते हैं सब क्रोध की विक्षिप्तता में, क्रोध के नशे ने तुमको पकड़ लिया, तुम कुछ कर बैठे और बाद में पछता रहे, मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन यही क्रोध जब सृजनात्मक रूप से, सजग रूप से तुम उसे देखते हो, तो तुम्हें क्रोध का मौलिक कारण पकड़ में आने लगता है कि तुम क्यों क्रोध से भर रहे हो। फिर तुम उस मौलिक कारण को बदलने में लग जाते हो, वही ऊर्जा उस कारण को बदल देती है। जैसे किसी व्यक्ति ने तुमसे कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, तुम अचानक क्रोध से भर बैठे, तुम्हें लगा कि इसने गलत किया। लेकिन अगर तुम जाग जाओ उस प्रक्रिया में, तो तुम्हें ये भी दिखाई देगा कि ये व्यक्ति कोई कारण नहीं था, बात कहीं और पीछे है। फिर तुम और जागोगे, तुम्हें और कहीं पीछे कारण दिखाई दे जाएगा, और शायद फिर तुम उस कारण को बदलने के माध्यम बन जाओ। तब क्रोध सृजनात्मक हो। क्रोध हमेशा करुणा में बदलता है, क्योंकि क्रोध आया ही इसलिए कि दूसरे की स्थिति को, दूसरे के जीवन को तुम समझने में अक्षम थे। करुणा उस संवेदनशीलता का नाम है जो तुम्हें वो समझ देती है। तो क्रोध अनिवार्य रूप से करुणा में बदलता है और सृजनात्मक होता है। तुम कहीं अपनी ही किसी छुपी हुई बात के प्रति विचलित हो जो तुम्हें क्रोधित बना रहे हैं। ऐसे ही सारे भाव हैं। अहंकार, अहंकार भी अच्छा है, अहंकार भी शुभ है, तो कभी ये शिक्षा नहीं लेनी चाहिए कि अहंकार छोड़ दो, अहंकार को सृजनात्मक बनाओ, क्योंकि यात्रा अहंकार ही करवा रहा है। तुम आध्यात्मिक खोज में भी अहंकार के कारण ही जाते हो, वही तुमको आगे लेकर जा रहा है। लेकिन फिर एक बिंदु पर आकर उसे छोड़ देना पड़ता है। ये केवल उपकरण मात्र है, उनकी उतनी ही उपयोगिता है। जैसे कोयले को जलाकर तुम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हो, खाना बना सकते हो, गर्मी पैदा कर सकते हो, लेकिन वो जल गया, तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब तुम उससे अलग हो सकते, अब उससे बहुत लगाव की आवश्यकता नहीं है। तो जितने भाव हैं ये ऐसे ही हैं जिनका थोड़े जागरूकता के साथ तुम सदुपयोग कर सकते हो। उनको बहुत दूर तक खींचे चले जाने का कारण नहीं है, लेकिन उनसे
कच्चेपन में मुक्त हो जाने की भी अवधारणा तुम्हारे लिए नुकसानदेह। अगर तुम कच्चेपन में उनसे मुक्त हो गए तो तुम्हारे अंदर अभाव के बिंदु हमेशा बने रह जाएंगे और वो अभाव के जो घेरे हैं वो तुमको बार बार पीछे खींचेंगे, वो तुमको बार बार पीछे ले जाएंगे। तो इसलिए इन भावों का सम्मान करो, ये मानवीय है, और मानवीय रहो। मानवीय रहना तुम्हारे लिए बहुत सुंदर है। जैसे तुम ध्यान में जाते हो, तुम दो दिन ध्यान में बैठते हो और तुम सोचते हो तुम एक बुद्ध की तरह, एक कृष्ण की तरह शांत हो जाओ। और समाज भी ऐसा विक्षिप्त है कि वो भी तुमसे ऐसी ही आशा करता है। अक्सर मित्र मुझसे कहते हैं कि लोग कहते हैं कि बताओ तुम क्या ध्यान करते हो, अभी अभी तुम गुस्सा कर रहे थे, बताओ तुम क्या ध्यान करते हो कि तुमको ये चाहिए वो चाहिए, तुम्हारे अंदर इच्छाएँ हैं, तुम डिजायर्स में जीते हो। और वो मित्र उत्तर नहीं दे पाते हैं। उनको कहना चाहिए कि हम मानवीय हैं, भावनाएं आती हैं, ये सारे बिंदु आते हैं, हम इनसे ही बने हैं, लेकिन साधना तुम्हारी तुमको ये सिखाएगी कि तुम कितनी जल्दी उनसे आगे चले जाते हो। क्रोध आया, तुम क्रोध में अटके ही रह गए तो ये असृजनात्मक हो गया। क्रोध आया और तुम उससे कितनी जल्दी मुक्त हो गए, ये तुम्हारी साधना की सिद्धि की पहचान होगी। काम जागा, फिर तुम कितने दिन तक कामातुर ही बने रह गए या तुम कितनी जल्दी उससे मुक्त हो गए, उसकी डिग्रीज। लोभ भी जगेगा, मोह भी पकड़ेगा, लेकिन तुम तुरंत जागोगे और उससे जल्दी जल्दी मुक्त होगे। पहले दिन लगेंगे, किसी किसी को सालों लग जाते हैं, किसी को महीने, किसी को दिन, फिर घंटे, फिर मिनट, फिर सेकेंड्स। फिर कभी कभी भाव भी प्रकट भी नहीं हुआ होगा और तुम जागने लग जाओगे, वो और गहरी बात है। फिर और गहरे जब तुम जाओगे तो बस हल्की सी आहट और तुम जाग गए और तुम्हारे जागने के साथ ही रूपांतरण घट गया, भाव चला गया। क्रोध अभी कहीं सतह पर उभरने की तैयारी कर रहा था और तुम उसकी तरंगों को पकड़ पाए, यही साधना की सिद्धि की पहचान। उसका टाइम ड्यूरेशन धीरे धीरे घटता जाता है, घटते घटते न्यून हो जाता है, फिर और पीछे चला जाता है। फिर तुम उस आहट को पहचानने लगते हो, उसको ही कहते हैं अंतः प्रज्ञा के तल पर जीना, इंट्यूटिव लेवल। तो ऐसी ही कोशिश करनी है सभी को कि उस इंट्यूटिव लेवल पर जी पाए, लेकिन अभी उसमें जागरूकता का समावेश करें। हर भाव में जागरूकता को डालें, सजग हो जाए, जो भी भाव उठे बस एक ही मन उसके बीच में जाग जाए, दूसरा कभी भी तुम्हारे इन भावों का कारण नहीं है, पहले ये जान ले। बस एक नियम है कि दूसरा कारण नहीं है, न तुम्हारे काम का, न क्रोध का, न लोभ का, न मोह का, न अहंकार का, तुम ही कारण हो। तुम किसी के मोह में पड़ जाते हो, तुम्हें लगता है किसके मोह में, मोह तुम्हारे भीतर से निकलकर बाहर फैल रहा है। तुम लोभ में पड़ जाते हो, तुम्हारे भीतर से निकलकर बाहर फैल रहा है। तुम कभी कभी अहंकार से भरे हो कि मेरे पास ये है, और वो भी तुलनात्मक रूप से, लेकिन सब तुम्हारे भीतर से ही निकलता है। इस तथ्य को जानना और इस बात का प्रयोग कि तुरंत जाग जाना है, उसके बीच हो सकता है अभी बाद में जाग पाओ, लेकिन तो बाद में जाग जाना, क्रोध कर लेना, लड़ लेना, झगड़ लेना, तो बाद में भी जाग जाना है कि मैंने क्या किया, मेरे अंदर से कौन सी ऊर्जा उठी, कि कौन सा प्रवाह था जो मुझे बहा ले गया। जब बाद में भी तुम जागना शुरू करोगे तो कभी कभी बीच में ही जाग जाओगे, क्रोध उठेगा और तुम बीच में जाग जाओगे, जैसे जागोगे उसकी तरंगें गिर जाएंगे, फिर कभी शुरुआत में भी जाग जाओगे। तो ऐसे ही सारे भावों में जागते जाओ, फिर रूपांतरण घट जाएगा। जो है उसका रूपांतरण होता है, जो है ही नहीं उसका रूपांतरण होगा भी नहीं। ये भाव इनके साथ ही तुम जन्मते हो, अगर इनको काट दोगे दमन हो जाएगा, वो दमित हो जाएंगे, फिर रूपांतरण की संभावना भी जाती रहेगी। तो रूपांतरण की संभावना तभी तक है जब तक ये भाव भी हैं और तुम इनके प्रति जागे हुए हो।
फिर सारा चमत्कार घटता है। ठीक है, ये बात समझ में आती है? कोई और बात स्पष्ट है? इसमें कोई उलझाव है? तो बस इसको एक प्रयोग की तरह करें, इसको एक ध्यान प्रयोग बना लें कि दूसरा उत्तरदायी नहीं है तुम्हारे किसी भी बात के लिए। तो नेवर एवर एनी ब्लेम गेम, किसी दूसरे को किसी भी बात के लिए दोषारोपण देना बंद, एक साधक का यही कर्तव्य। दूसरी बात, उस ऊर्जा के प्रति जाग जाए, चाहे बाद में जाग जाए वो भी चलेगा, कोशिश करें बीच में जाग जाए, फिर कोशिश करें उठते ही जाग जाए, धीरे धीरे तुम देखोगे एक रूपांतरण घटे, एक अजीब सी ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतरती चली आ रही है, और एक ऐसी समझ जो दी नहीं जा सकती, जो सिखाई नहीं जा सकती, वो तुम्हारे भीतर उतर कर आ रही है। और आगे से जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करे कि तुम ध्यान नहीं हो, फिर भी इन भावों में हो, तो तुम विनम्रता से इस बात को स्वीकार कर लो, बजाय कि इसका जवाब देने के, सफाई देने के कि मैं साधक हूँ, सिद्ध नहीं हूँ, मैं साधना में हूँ, अभी बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हो गया हूँ, और मैं मनुष्य, मानवीय भावनाएं मुझे घेरती हैं। और इसको भी ऑब्जर्व करते चलो कि वो ड्यूरेशन धीरे धीरे कितनी कम हो, वो तुम्हारी कसौटी होगी, फिर तुम पीछे चले जाओगे अदृश्य तल पर, वो और अच्छी अवस्था होगी। तो इस पर प्रयोग करेंगे, प्रयोग के लायक प्रक्रिया है। ठीक है, आज के लिए।